नरेंद्र मोदी जी आपका चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी का चौकीदार है। लाइन लगी है वहां पे, लाइन लगी हुई है चौकीदारों की, 10-15-20-30-40 लोग नहीं केवल नहीं अनिल अंबानी जी के घर के सामने चौकीदारी करते हैं। और वही काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी जैसे चोरों के लिए किया। मगर भैया जब चोरी होती है तो कहीं ना कहीं से तो चोरी होती है, आसमान से चोरी तो नहीं होती, कहीं ना कहीं से तो होती है। तो सवाल उठता है कि ये जो लाखों करोड़ रुपए चौकीदार ने अनिल अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी जैसे चोरों को दिया, वो पैसा कहां से आया? आप फिर हिला रहे हैं, अपनी जेब में हाथ डालिए, बटुआ खोलिए, पता लगेगा कि आपके बटुए से पैसा नरेंद्र मोदी ने निकाला है। आदिवासी भाइयों, अपने जंगल को देखिए, जल को देखिए, जमीन को देखिए, अच्छी तरह देखिए, पूरे झारखंड में देखिए, पता लगेगा कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी जी ने आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन दी। चोरी भाइयों और बहनों, आपके जेब में से आपके घरों में से हो रही है। भाषण करते हैं मोदी जी, आदिवासियों की रक्षा करूंगा। अच्छा, आदिवासियों की रक्षा करोगे? मोदी जी एक बात समझा दीजिए मुझे, पैसा कानून का क्या हुआ, जमीन अधिग्रहण बिल का क्या हुआ, ट्राइबल बिल का क्या हुआ, पंचायती राज का क्या हुआ, बताइए क्या हुआ? हम लड़े थे ओडिशा में, न्यामगिरी में लड़ गया, कांग्रेस पार्टी गई, छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, यहां पे छत्तीसगढ़ के मंत्री बैठे हैं, उनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बस्तर में क्या किया? सिंधु जी बताइए, बस्तर में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा ऐतिहासिक निर्णय लिया? पहली बार इतिहास में, आदिवासी भाइयों आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, जमीन अधिग्रहण कानून में साफ लिखा है, अगर आदिवासियों से, किसानों से जमीन ली जाएगी तो उनसे पूछ कर ली जाएगी। और अगर आदिवासी ने कहा या किसान ने कहा कि मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहता हूं, तो कोई भी सरकार उसकी जमीन नहीं ले सकती है। कानून किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उस कानून में यह भी लिखा है, अगर किसी उद्योगपति ने आदिवासियों से जमीन छीनी, मांग कर ली, तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा उसे देना पड़ेगा। मगर अभी ताली बोल बजाइए, क्योंकि मैंने सबसे जरूरी बात नहीं बोली है। सबसे जरूरी बात यह है, कोई भी कंपनी हो, अमेरिका की, जापान की, हिंदुस्तान की, अरबपति की, टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो, अगर 5 साल के अंदर जमीन पर उद्योग नहीं बनाया गया तो वो जमीन अरबपति से छीन कर
वापस आदिवासी को दे दी जाएगी। कानून है भाई और बहन, कानून है। छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार टाटा कंपनी ने जमीन ली थी, बीजेपी सरकार ने जमीन दी। 5 साल के अंदर आदिवासियों की जमीन पर, बस्तर की जमीन पर उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने निर्णय लिया, टाटा जैसी कंपनी से जमीन लेकर वापस बस्तर के आदिवासियों के हवाले कर दी। मोदी जी आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, आप आदिवासियों की रक्षा करते हो, मुझे एक उदाहरण दे दो हिंदुस्तान में, एक उदाहरण दे दो जहां की किसी भी सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल का पालन किया हो और 5 साल के अंदर जमीन आदिवासियों को वापस दे दी। झारखंड में अभी बार आओगे उदाहरण दे देना, गुजरात के बारे में झारखंड बहुत अच्छी तरह जानता है, झारखंड की जनता गुजरात में काम करते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों से जमीन लूट लूट कर आदिवासियों को गरीबी में धकेला है। जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ कौन लड़ा? पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को 3 बार रद्द करने की कोशिश की। हम खड़े हुए, आदिवासी बिल की रक्षा कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो गठबंधन लोग हैं इन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल की रक्षा की। जेएमएम, जेवीएम, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी ने बिल की रक्षा की। जब नरेंद्र मोदी समझे कि कांग्रेस पार्टी की, आदिवासियों की, किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, तो फिर उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से कहा, तुम पीछे से ये काम कर दो, ये लोकसभा में राज्यसभा में नहीं हो रहा है, तुम इस काम को झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बाकी प्रदेशों में करो। 5 साल से भाइयों और बहनों आपके जेब में से, आपके घरों में से चोरी हो रही है। आपको नोटबंदी में बैंक के सामने खड़ा किया, धूप में, आंधी में, तूफान में हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, आदिवासियों को लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकलवाया। माताएं बहने आई हैं, आपके घर में से पैसा निकाला। लाखों करोड़ रुपए चौकीदार ने आपके घर से निकाले, आदिवासियों के घर से निकाले, किसानों के घर से निकाले, मजदूरों के घर से निकाले, बेरोजगार युवाओं के घर से निकाले। और अनिल अंबानी 30,000 करोड़ रुपए उसको दिए, 35,000 करोड़ रुपए लेकर मोदी, 35,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या, लाखों करोड़ रुपए इस चौकीदार ने आपका शुरू करके उन 15 लोगों को दिया। 5 लाख सुनिए, मनरेगा को चलाने में 35,000 करोड़ रुपए लगता था साल का, पूरे देश में 35,000 करोड़ रुपए से आप मनरेगा को चला सकते थे। आपने मनरेगा का मजाक उड़ाया, पार्लियामेंट हाउस में आपने मनरेगा का मजाक उड़ाया। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने गड्ढा खुदवाया, नरेंद्र मोदी जी मनरेगा से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। आप तमीज से बात करिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बारे में, बदतमीजी से आप बात मत कीजिए। इस बार सौदे नहीं मिलेगा, मैनिफेस्टो में हमने लिख दिया है, शुरुआत 150 से मनरेगा का मिलेगा। मगर अब मैं आपको मजेदार बात बताने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी
को बदलने वाली बात बताने जा रहा हूं। आप सुनिए, 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया। लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी जैसे चोरों को दिया। 5 साल आपके साथ, झारखंड के युवाओं के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ उन्होंने अन्याय किया। अब सुनिए, कांग्रेस पार्टी आपको न्याय योजना देने जा रही है, मगर ताली बजाने से पहले मेरी बात सुनिए, ताली बजाने से पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये एक निर्णय आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। मनरेगा ने आपकी मदद की, मगर ये न्याय योजना गरीबों की, आदिवासियों की जिंदगी को बदलने जा रहा है। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, इकोनॉमिस्ट को बुलाया और मैंने उनसे कहा, देखिए मैं एक काम करना चाहता हूं। मुझे कहते क्या? मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए 15 लोगों को दिए हैं, मैं लाखों करोड़ रुपया, जितना पैसा चौकीदार ने 15 लोगों को दिया है उतना पैसा मैं 25 करोड़ लोगों को देना चाहता हूं। चौथे हैरान हो गए, कहते राहुल जी ये आपने क्या बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी डाल सकती है। मैंने कहा कैसी बात करते हो, सरकार बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकती क्या? नहीं डाल सकती। अच्छा, तो अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में क्या जापान की सरकार ने पैसा डाला? मेहुल चौकसी के बैंक अकाउंट में क्या चाइना की सरकार ने पैसा डाला? अनिल अंबानी को, विजय माल्या को क्या फ्रांस की सरकार ने पैसा दिया? कहते नहीं। किसने दिया? हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। तो उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाला है? 35,000 करोड़ रुपए बैंक का पैसा दिया मोदी के अकाउंट में डाला? कहते बात तो सही है। मैंने कहा देखिए पता लगाइए, मुझे एक नंबर चाहिए, मैं आदिवासियों को, दुकानदारों को, किसानों को नंबर देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का नंबर दिया, मैं भी नंबर चाहता हूं। झूठा नंबर नहीं, मैं जानता हूं 15 लाख नहीं किया जा सकता, सच्चा नंबर दूंगा। सिर्फ एक शर्त है, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। गए 5 महीने बाद वापस आए, कागज पर उन्होंने नंबर लिख दिया 72,000। मेरे में ये क्या है 72,000? कैसे 72,000 रुपए? मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है 72,000 रुपए, मगर कितने लोगों को, कितने समय में? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? कहते राहुल जी 72,000 रुपए आपने कहा था 25 करोड़ लोगों को एक साल के अंदर। आप सोचिए, और आदिवासी किसान मजदूर आप इस बात को समझिए, न्याय योजना एक साल के अंदर 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 3,60,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में धड़ाधड़। सुनिए, मैंने खत्म नहीं किया, अब आप कहोगे ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा 3,60,000 रुपए हर परिवार को कितने साल चलेगा? नहीं 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 नहीं, सुनिए, उस दिन तक चलेगा
जिस दिन तक इन लोगों की आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम होगी, मतलब आप झारखंड में किसी की भी गांव में चले जाइए और वहां पता रहिए, वहां सवाल पूछे, भैया एक बात बताओ, यहां पे 12,000 रुपए प्रति महीना से आमदनी किसकी कम है? बहुत सारे वो हाथ उठाएंगे कहेंगे मेरी कम है, मेरी कम है, मेरी कम है, मेरी कम है। जिन्होंने भी आपसे कहा कि मेरी आमदनी 12,000 रुपए से कम है, उन लोगों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सरकार 3,60,000 रुपए डाल दी। गरीबी पर भाई और बहनों, न्याय योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक है, एक झटका मारेंगे, गरीबी को हिंदुस्तान से हमेशा के लिए मिटा देंगे। और सबसे ज्यादा फायदा झारखंड जैसे प्रदेशों को होगा, किसानों को होगा, गरीबों को होगा, आदिवासियों को होगा। अब यहां दुकानदार बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, स्मॉल छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वाले बैठे हैं। अब आपके दिमाग में बात बैठी होगी कि भैया राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय योजना का पैसा मिलेगा, आदिवासियों को न्याय योजना का पैसा मिलेगा, बेरोजगार युवाओं को न्याय योजना का पैसा मिलेगा। मगर न्याय योजना से दुकानदारों को, व्यापारियों को क्या फायदा होगा? यह आपके दिमाग में, दिल में सवाल उठा होगा, जवाब देता हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की कंपल्सरी टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया। जैसे ही माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट, जूता, सेलफोन, जैसे हिंदुस्तान के युवाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने माल खरीदना बंद किया, वैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया। जैसे ही दुकानदारों ने माल बेचना बंद किया, वैसे ही फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। मैं व्यापारियों से कहना चाहता हूं, छोटे दुकानदारों से कहना चाहता हूं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले से कहना चाहता हूं, जैसे ही न्याय योजना का पैसा 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे ही देश की जनता माल खरीदना शुरू करेगी। जैसे ही देश की जनता माल खरीदना शुरू करेगी, व्यापारियों आपकी दुकानें चालू हो जाएंगी, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, आपकी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और बेरोजगार युवा उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। न्याय योजना से सिर्फ आदिवासियों को, गरीबों को, किसानों को फायदा नहीं होगा, न्याय योजना से हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों चलाने वालों को फायदा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, दुकानदारों को फायदा होगा, सबके साथ पूरे हिंदुस्तान को फायदा। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से डीजल पेट्रोल निकाल दिया, इंजन से डीजल पेट्रोल निकाल दिया, इंजन बंद हो गया। न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में डीजल पेट्रोल है। जैसे ही पैसा जाएगा, वैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, झटाक से चालू हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, पूरे हिंदुस्तान को नहीं, चौकीदार को फायदा नहीं होगा, अन्य समाज को फायदा नहीं होगा, मैं उन चौकसी जैसे चोरों को फायदा नहीं होगा, मगर हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दुकानदारों को, कमजोर लोगों को, किसानों को, बेरोजगार युवाओं को फायदा। अब युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, आने वाली युवाओं से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी। यहां कोई व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया हो? एक है यहां पे ना? मैं 2 करोड़ युवाओं को झूठ नहीं बोलूंगा। न्याय योजना से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, मगर मैंने पता लगाया
22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं। बेरोजगारी का समय 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खोते हैं, मगर 22 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं। झारखंड के युवाओं, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, एक साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां हवाले हो जाएगी। मैं आपको ये भी कह दूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती राज पर आक्रमण किया, प्रधानों पर आक्रमण किया। मैं आपको यहां कह दूंगा कि 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार मिल जाएगा। और जो भी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानों से छीना, पंचायतों से छीना, मैं आपको कह रहा हूं, पंचायती राज कांग्रेस पार्टी की सोच है। पंचायत को शक्ति देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। जो भी नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीना, एक करके मैं आपको वापस दे रहा हूं। मैं नहीं कांग्रेस पार्टी नहीं, आपकी आवाज, हम आपकी आवाज सुनते हैं। और मैं आपको एक याद गारंटी देता हूं, आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, आदिवासी बिल किसने दिया, पैसा कानून किसने दिया, जमीन अधिकरण बिल किसने दिया, पंचायती राज किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं आपको यहां से गारंटी कर देता हूं, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, भट्टा कौशल में मैं जाके लड़ा, कांग्रेस पार्टी लड़ी, न्यानगिरी में हम लड़े, बस्तर में हमने आपको जमीन वापिस दी। मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं आपको एक बात बता देता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका जल, आपका जंगल और आपकी जमीन अब इन अनिल अंबानी जैसे चोरों के हाथ में मैं नहीं जाने दूंगा। और आप जानते हो भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हुआ, मैंने वहां बोला, किसानों से कहा, देखिए मैं नहीं जानता, बाकी सब नहीं जानता, आसमान फट गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, 2 दिन के अंदर 3 स्टेट में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया की कोई भी शक्ति हो, न्यामगिरी का पवित्र पहाड़ है, आदिवासियों का पहाड़ है, दुनिया में कोई भी शक्ति हो, न्यामगिरी की जमीन आदिवासियों से नहीं ली जा सकती है। कांग्रेस पार्टी लड़ी, आदिवासियों के लिए लड़ी और आपकी जमीन की रक्षा की। मेरे शब्द खोखले नहीं है, मेरा रिकॉर्ड देख लो, कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड देख लो, 15 साल से जो भी मैंने बोला है हमने करके दिखाया है। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, और आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला, आदिवासियों ने, किसानों ने बोला, देखिए 15 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट में डाल दो, मैं आपसे सीधा स्टेट से कहूंगा, भाई और बहनों, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में नहीं डाले जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 15 लाख रुपए डाल लिए, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा, मगर मैं 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर दे के दिखाऊंगा। ये चौकीदार जो है पहले कहता था मुझे चौकीदार बनाओ, आज कहता है हम सब चौकीदार नहीं। मोदी जी, हम सब चौकीदार नहीं है। आपने कहा था कि आप चौकीदार बनना चाहते हो, देश ने आपको चौकीदार बनाया और आपने देश से चोरी की। सच्चाई से कोई नहीं छुप सकता नरेंद्र मोदी जी। चौकीदार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।